उस कारण से उसको जो है मेंटेन करने में बहुत ही समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोलर से नगर निगम के द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है घाट पे, ताकि श्रद्धालु जो आएंगे उनको चेंजिंग रूम भी बना दिया गया है, बस उसमें कपड़ा लगाना बाकी है। नजदीक में लगाया गया क्योंकि जल स्तर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, और यहाँ पे जल स्तर कम होने के कारण 2000 years later। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब, होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का भी ब्लॉग आप थंबनेल और टाइटल से समझ गए। जी हाँ, दिवाली हो गई है खत्म और छठ पूजा, जी हाँ, बिहार का महापर्व जो है छठ पूजा, वो बस 2 दिन ही बचे हैं आगमन होने में, तो उसको लेकर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के मेरीन ड्राइव पर। जी हाँ, पटना का मेरीन ड्राइव जो है ना छठ के टाइम छठ घाट में उसको तब्दील कर दिया जाता है, काफी सुंदर तरीके से इसको बनाया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ से चलेंगे, और आपको आज पूरा इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी काम जो है कंप्लीट कर ली गई है। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से, अभी नीचे जगह फॉरवर्ड अपडेट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको वहीं पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू एज एलोपे स्टाइल से, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम लोग हैं जेपी सेतु के नीचे, से आप देख सकते हैं अपना जेपी सेतु है, जो सिर्फ जेपी सेतु के नीचे अभी हम लोग जस्ट खड़े हैं। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भी ना बैरिकेटिंग कर दी गई और रेड कपड़े से उसको घेर दिया गया। हाँ जी, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरीन ड्राइव के जस्ट, मेरीन ड्राइव का जो गोलंबर है ना उसी के जस्ट बगल में रास्ता बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं नीचे उतरने के लिए, और अभी हम लोग आगे भी चलेंगे क्योंकि जो लाइटिंग, लाइट वाली जो टावर है और वॉच टावर है, सब चीज बना दिया गया। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और देखेंगे कहाँ का काम जो है कम्प्लीट हुआ है। चलते हैं आगे। जी, तो अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ना, वो ये जगह जो है ना, ये आपके पार्किंग के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोलर से उसको जो है ना जमीन को प्लेन किया जा रहा है। बेसिकली होता क्या है ना कि जब गंगा में जब बाढ़ आता है तो गंगा माँ कीचड़ जो है ना वो छोड़ जाती है, उस कारण से जमीन जो है बहुत खराब हो जाता है, उस कारण से उसको जो है मेंटेन करने में बहुत ही समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोलर से उसको जमीन को है जो समतल किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है, सभी काम यहाँ पे चल रही हैं जिससे आप लोग को आने में कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो ये बहुत सारे टेम्पोररी जो बोर्ड्स हैं ना, आपको बहुत सारे इस घाट पे आपको देखने को मिलेंगे, नगर निगम के थ्रू लगाई जाती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन से घाट पे आप खड़े हैं, इसलिए इसको लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे जेपी सेतु घाट है तो आगे में आपको 90 घाट ऐसे करके 88 घाट नंबर करके आप, बाकी यहाँ पे है ना, यहाँ पे वॉच टावर और लाइट वाली टावर जो है ना वो दोनों को कंप्लीट कर लिया, और साथ में यहाँ पे जो है लाइट भी उस पर फिट कर दिया गया है। हाँ जी, तो अभी हम लोग गेट नंबर 93 वाले एरिया पे जो है ना घाट के पास अभी हम लोग खड़े हैं, और 5 दिन पहले जो हम लोग आए थे तो यहाँ पे ना पूरा मट्टी से कादों से पूरा भरा हुआ था, लेकिन नगर निगम के थ्रू जो है ना इसको पूरा प्लेन कर दिया, जैसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे पहले कुछ इतना कचरा था, इतना यहाँ कचरा था कि चलना मुश्किल था, लेकिन नगर निगम के थ्रू देखिए कितना इसको प्लेन कर दिया गया है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और हर साल ऐसा नहीं है कि इसी साल, हर साल इस मेरीन ड्राइव को इतना सुंदर बनाया जाता है कि लगता ही नहीं है कि ये मेरीन ड्राइव छठ घाट कब बन गया। तो चलते हैं अभी हम लोग और आगे, और आगे तक अभी अपडेट आपको देंगे कि आगे कहाँ कहाँ काम पहुँची और बैरिकेटिंग का काम कहाँ तक कम्प्लीट कर लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कंगन जो अपना दिग्गा जेपी सेतु वाला जो घाट था वहाँ पे बैरिकेटिंग बहुत ही नज़दीक में लगाया गया, क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और यहाँ पे जल स्तर कम होने के कारण बैरिकेटिंग को दूर की गई है। और दूसरी बात यह है कि दिक्कत क्या है कि पटना से बहुत सारे लोग जो है ना मेरीन ड्राइव की ओर आते हैं, और छठ के दिन इतना यहाँ भीड़ रहता है कि चलना मुश्किल होता है, बहुत ही भीड़ रहता है, इस कारण से थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था करना पड़ता है। पार्किंग की एरिया जो है ना, पार्किंग भी जो बनाई गई है वो काफी अच्छे स्पेस में बनाया गया है यहाँ का पार्किंग। हाँ जी, तो जैसा कि मैं हमें बता रहा था, देखिए यहाँ पे बालू कितना सारा रखा हुआ है। हमने बताया था कि जो बाढ़ आता है तो गंगा माँ जो है ना कीचड़ छोड़ के चली जाती है यहाँ से, तो उस कीचड़ को मेंटेन करने के लिए इतना बालू लाया गया, और जो छठ व्रतीय जो है ना उनको चलने में दिक्कत नहीं हो इसके लिए भी बालू इतना लाया गया कि ताकि वो खाली पैर रहेंगे, सभी लोग जो है खाली पैर रहेंगे तो उनको आने में दिक्कत नहीं हो, चलने में कम्फर्टेबल फील रहे, इसीलिए इतना सारा बालू लाया गया है। और जहाँ जहाँ दलदल है उसको अच्छे से मेंटेन कर दिया जाएगा ताकि आपको छठ पूजा सेलिब्रेट करने में यहाँ दिक्कत नहीं हो। हाँ जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चापाकल जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि आप मान लीजिए अभी घाट पे आ रहे हैं और प्यास लग गया तो चापाकल जो है पानी पीने के लिए काम आएगा, और उस साइड में वॉशरूम भी बनाया जा रहा है
नगर निगम के द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है घाट पे, ताकि श्रद्धालु जो आएंगे उनको कोई भी चीज़ का यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। लोग हैं घाट के पास, और जैसा कि आप देख सकते हैं सर का घाट जो है थोड़ा सा दलदल है यहाँ पे, लेकिन होप कि इसको ठीक कर दिया जाए। बहुत दलदल है यहाँ पे, और आगे जाने के बाद जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इस बार वाले घाट में थोड़ा सा कादो जो है थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये ठीक कर दिया जाए। देखिए दलदल पूरा है। तो अभी तो मात्र 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन में इसको और इतना सुंदर कर दिया जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इतना सुंदर घाट जो बनाया गया है। और आपके यहाँ कौन कौन छठ कर रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप।